अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करने लगे हैं कार्सिनोमा ब्रेस्ट के रिस्क फैक्टर्स की। यहाँ पर 16 रिस्क फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ये बिग रॉबिन्स वालों ने जो है ना वो 16 के 16 एन्यूमरेट किए हैं। बहुत ही आसान से, लेकिन जाहिर है बिग रॉबिन्स है तो बड़ी बड़ी बातें तो लिखनी है उसने। मीडियम रॉबिन्स में आपको 5-6 मिलेंगे हार्डली। बातें कोई मुश्किल नहीं है, इस वजह से आपको अगर खुद मैं भी आपको जैसे बताती जाऊँगी साथ मोटी मोटी बात, तो आपको वो उधर ही याद हो जाएंगी। इतनी सभी सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, तो रिस्क फैक्टर क्या चीज़ होती है कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी डिजीज़ के प्रेवलेंस को, डिजीज़ के रिस्क को हमारे अंदर इंक्रीज कर देंगी। सबसे पहले जर्म लाइन म्यूटेशंस है। हमारे पास जो हेरिडिटरी फॉर्म है, जो फेमिलियल फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, आगे मैं आपको जो पढ़ाऊंगी उसमें ये होता है कि फैमिलीज़ में कोई म्यूटेशन किसी जीन में चल रही होती है। स्पेशली जो हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है TP53 एक जनरल ट्यूमर सप्रेसर जीन, और इसकी अगर इसमें म्यूटेशन होगी तो बहुत सारे ट्यूमर्स का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, जिसमें से सारे ब्रेस्ट कैंसर भी शामिल है। फिर अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, और वो भी बिल्कुल फर्स्ट, यानी आपकी माँ, आपकी बहन या आपके जो योर फादर, ये सारे आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं। इनमें या फिर आपका जो कह सकते हैं और जितने फर्स्ट डिग्री हैं, इनमें से अगर किसी में कोई ऐसी म्यूटेशन है या फिर किसी की हिस्ट्री है कैंसर की, तो उसमें फिर दूसरे जो आपके मतलब अगर सपोज आपकी पोस्ट मीनोपॉजल मदर है जिनको कैंसर है ब्रेस्ट का, तो इसका मतलब कि आप भी इंक्रीज रिस्क पे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के में अगर कोई म्यूटेशन की वजह से कैंसर हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसके रिलेटिव्स हैं उसमें भी हेरिडिटरीली ट्रांसफर होने का चांस होता है। फिर रेस और एथनिसिटी, मैंने आपको बताया था कि जो वाइट हैं, यूरोपियन वाइट्स जो होते हैं, स्पेशली जो नॉन हिस्पैनिक वाइट्स हैं, मतलब कि जो यूएस की पॉपुलेशन है या फिर इंग्लैंड की पॉपुलेशन है, वहाँ पर इसकी इंसिडेंस और प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो मैंने आपको बताया था कि उनका वेस्टर्न लाइफस्टाइल है कि लेस नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज होती हैं, डिलेड प्रेगनेंसीज होती हैं, यानी कि वो जल्दी जल्दी नहीं करते, लेट इन एज आफ्टर 35 प्रेगनेंसीज हैं। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम है वहाँ पे। वहाँ पर ज़्यादातर क्योंकि फीमेल्स आर वर्किंग वुमेन, तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती बच्चों को, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो आपके कैंसर का रिस्क बहुत कम कर देती है। ये भी आगे इधर बात आएगी, तो इस वजह से। और फिर उनमें ना म्यूटेशंस भी हैं, उनमें मतलब देखा ये गया है कि वाइट्स में जेनेटिक म्यूटेशन ज़्यादा है, BRCA1 जीन्स हैं, अभी हम आगे जो पढ़ेंगे उनमें, जिसकी वजह से उनमें इस कैंसर की चांसेस और रिस्क बहुत ज़्यादा है और डेवलप भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, एज, इंक्रीजिंग एज के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। 70 ईयर्स तक सबसे ज़्यादा हो जाता है, एंड देन फिर वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है पोस्ट मीनोपॉजल कंडीशन में इस कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन जब होगी, तो मोस्टली फीमेल्स हैं वो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आफ्टर मीनोपॉज वैसे ही आपको पता है कि बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, तो म्यूटेशन होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। एज ऑफ मीनार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडीज़ ने कहा है कि अगर आपकी मीनार्की की एज जो है ना वो 11 ईयर्स से कम थी, यानी बहुत छोटी एज में आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए 9-10 साल की एज में, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा होता है, बिकॉज बहुत छोटी एज में होगा। तो इसके बारे में यही देखा गया है कि बहुत छोटी एज में होता है, तो उस टाइम हर चीज़ पूरी तरह डेवलप नहीं होती, विच इज़ नीडेड। तो ऐसे केस में म्यूटेशंस बहुत जल्दी जीन्स में आ सकती हैं। तो मीनार्की की एज 14 हो या उसके अराउंड हो तो दैट इज़ बेस्ट, 11 से कम में चांस ज़्यादा है। अच्छा, एज ऑफ फर्स्ट लाइफ बर्थ, जो इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी की एक नॉर्मल एज होना बहुत ज़रूरी है, 20 ईयर्स से कम और 35 ईयर्स से ज़्यादा की जो प्रेगनेंसीज है ना वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। 20 से कम में तो फिर चलो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन स्टिल मतलब अगर आप 18 ईयर्स से जो कम की होती है फीमेल्स, जो कि अभी सही सही तो उनमें मेंसेस ही मुश्किलों से शुरू हुए होते हैं, उसमें या 35 प्लस में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, इसके दरमियान की एज इज़ परफेक्ट फॉर प्रेगनेंसी। तो एज एट फर्स्ट लाइफ बर्थ जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर 18 से कम या 35 से ज़्यादा में प्रेगनेंसी होती है, तो ऐसे में आपकी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा होता है। बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज, अगर किसी को पहले से कोई ब्रेस्ट की डिजीज़ प्रेजेंट थी, कोई एपिथेलियल लीजन थी जो बिनाइन इन नेचर थी, तो उसमें जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैंने बिनाइन एपिथेलियल डिजीजेज आपको पढ़ाई हैं ब्रेस्ट की, कि ये कभी भी स्पेशली उसमें से जो ए टिपिया के साथ थी, प्रोलिफरेटिव डिजीज विद ए टिपिया, वो आपकी कार्सिनोमा में डेवलप हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास है ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर, मैंने आपको बताया अभी भी कि पोस्ट मीनोपॉजल ईस्ट्रोजन थेरेपी जो फीमेल्स देती हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों की कंबाइन थेरेपी होती है, तो फिर 90% चांस हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का, बहुत ज़्यादा कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, स्पेशली अगर पोस्ट मीनोपॉजल थेरेपी सिर्फ नहीं, अगर कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती है ना जिनमें जनरली ईस्ट्रोजन के लेवल लो होते हैं, और आम लाइफ में भी, ठीक है, किसी ट्यूमर की वजह से, किसी वजह से, ट्यूमर तो नहीं है, किसी भी वजह से, सपोज़ उनका जो
ओवरी है वो इतनी अच्छी डेवलप नहीं है कि वो ईस्ट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करे, तो जाहिर सी बात है कि ईस्ट्रोजन पूरी अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होगा तो फीमेल्स जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती. जब वो मतलब आफ्टर मैरिज वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती, बार बार विजिट्स करती हैं, उनके टेस्ट होते हैं, पता चलता है कि भाई इनमें तो ईस्ट्रोजन का लेवल ही नॉर्मल नहीं है, बहुत कम है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती बिकॉज ईस्ट्रोजन नॉर्मल नहीं होता और बहुत सारे मसले. तो उसमें फिर वो कहती हैं कि भाई डॉक्टर उन्हें बताती है कि आपको ईस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, अगर लगाए जाएंगे तो उससे आपकी ओवुलेशन और सब कुछ ठीक हो जाएगी, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, लेकिन आप में कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. और स्पेशली हमारी जो सोसाइटी है जहाँ पर फीमेल्स इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, इलिटरेट होती है, वहाँ पर उन लोगों को ये मसला होता है कि भाई बच्चे होने चाहिए, कैंसर होगा तो देखा जाएगा, तो वो ईस्ट्रोजन के इंजेक्शंस लगवा लेती हैं. और जब इंजेक्शंस लगवाती हैं तो बच्चे तो हो जाते हैं, औलाद तो होगी, लेकिन उसके बाद फिर कैंसर की वजह से कई फीमेल्स की डेथ हो जाती है. तो इसलिए हमेशा सोच समझ के कोई भी चीज़ करनी चाहिए. देन हमारे पास ब्रेस्ट डेंसिटी है. कुछ फीमेल्स की हेरिडिटरीली ही ऐसा होता है कि डेंस होती है काफ़ी ब्रेस्ट, मतलब हार्ड होती है, और कुछ की बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, मतलब टिश्यू अंदर कुछ का डेवलप इस तरह से हुआ होता है कि स्ट्रोमा बहुत ज़्यादा नहीं होता, किसी में स्ट्रोमा जो है ब्रेस्ट का बहुत फाइब्रस होता है. तो ये आपकी हेरिडिटरीली चेंजेस होती हैं, या फिर हो सकता है डाइट किसी की किसी की तरह डिफरेंट तरह की हो, या फिर आपकी जो इन्वायरमेंट है वो आपको इसमें मैटर कर सकती है. तो डेंस ब्रेस्ट वालों में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखा गया है. ठीक है, फिर रेडिएशन, हो सकता है कि आपको किसी कैंसर की वजह से ही रेडिएशन मिली हो, या हो सकता है किसी को हॉजकिंस लिम्फोमा था रेडिएशन मिली हो, या फिर कोई एटॉमिक बॉम्ब की रेडिएशन थी, या कोई और किस्म की रेडिएशन, लेकिन किसी किस्म की रेडिएशन आपको पता है हमेशा म्यूटेशंस ले आती है एंड कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. अगर आपको कॉन्ट्रालैटरल यानी दूसरी ब्रेस्ट में कैंसर था या फिर एंडोमेट्रियम में कैंसर था, तो म्यूटेशन बॉडी में एक चल रही है और जेनिटल एरिया में चल रही है, तो उसमें बहुत चांस होता है, बल्कि 90% वुमेन होती हैं जिनमें अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर था तो दूसरी में भी डेवलप हो सकता है. ठीक है, डाइट का ऐसा है कि अल्कोहल जो ड्रिंकर्स हैं उनमें ज़्यादा देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर, उसके अलावा डाइट का कोई खास एसोसिएशन नहीं है. ओबेसिटी, जो ओबीस फीमेल होती हैं प्री मीनोपॉजल यानी कि जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी चल रहा होता है उस वक्त वो ओबीस होंगी, यानी जवान लड़कियां अगर ओबीस होती हैं तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, जो भी ओबेसिटी जब भी फीमेल्स को होती है ना, यंग फीमेल्स को, तो उनकी ओवुलेशन ही नहीं हो पाती, उनमें प्रोजेस्टेरोन, आपको पता है ना ओवुलेशन हमेशा डिपेंड करती है हमारे LH हार्मोन पे, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे. तो जो ओबीस फीमेल्स होती हैं उनमें कभी भी LH का लेवल नॉर्मल अचीव नहीं हो पाता, उनमें जितने भी साइकिल्स होते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनके एन ओवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, ओवुलेशन नहीं हो पाती. ओवुलेशन नहीं होती तो एंड ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन ने इंक्रीज होना होता है, तो उनमें प्रोजेस्टेरोन कभी इंक्रीज होता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है. लेकिन अगर पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स होती हैं और वो ओबीस होती हैं, तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि फैट ड्रॉपलेट्स जो है वो स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं और वो ईस्ट्रोजन बना सकते हैं, ठीक है, स्टीरॉयड के प्रिकर्सर्स होते हैं. तो फैट फीमेल्स ओबीस फीमेल्स में पोस्ट मीनोपॉजल ईस्ट्रोजन जो बनता है एक्सेसिव अमाउंट में, उससे उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. ठीक है, प्री मीनोपॉजल में भी फैट ईस्ट्रोजन बना सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें एन ओवुलेटरी साइकिल्स जो है ना वो उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन स्टिल ओबेसिटी और बहुत सारे मसले पैदा करती है, इसलिए वो ओबेसिटी तो होनी नहीं चाहिए. एक्सरसाइज, थोड़ा सा एसोसिएशन देखा गया कि जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं उनमें कैंसर के रिस्क कम होते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड लाजमी कराने चाहिए कम से कम 6 महीने तक, बल्कि 2 साल तक, एज इस्लाम सेज कि माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाएं. उसकी वजह यही है कि जब तक लैक्टेशन होती है ना, बच्चा दूध पीता है, तब तक आपका ओवुलेशन जो है वो सप्रेस हो जाती है, और ओवुलेशन की सप्रेशन जो है ना वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बहुत डिक्रीज कर देती है. इसीलिए इस्लाम भी ये कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड फॉर 2 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड्स एज. ठीक है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की एसोसिएशन है कि जो हमारे वही ऑर्गेनो फॉस्फेट्स और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टाइप के होते हैं ना केमिकल्स, और पता नहीं ऑर्गेनोक्लोराइड है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारे अगर इनसे एक्सपोजर ज़्यादा है फीमेल्स का, तो ये आपको पता है कि ऐसे जिस एजेंट्स हैं जो आपके जीन्स में म्यूटेशंस कर सकते हैं, सो दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ योर ब्रेस्ट कैंसर. अच्छा, ये क्योंकि बातें बहुत सारी थी ना इसमें 16, तो मुझे बताते बताते थोड़ी देर होगी, आपने सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है. ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है मैंने तो हर चीज़ आपको बतानी है, तो आपने बीच में तो खुद ही बातें लिखनी है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है. अब अगले पार्ट से मैं स्टार्ट करूँगी पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी विद फैमिलियल एंड स्पोरैडिक फॉर्म्स ऑफ कैंसर. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. थैंक यू.